Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another video lecture. My lecture number is 43 for inter part 1, जिसमें हम लोग chapter number 2 biological molecules के बारे में बात कर रहे हैं. And nowadays we are talking about an important biological molecule जिसे हम लोग कहते हैं protein. Protein क्या है, हमारी body में किस तरह से important role play करती है, हमने इसके बारे में बहुत detail में study किया है. अपने previous lectures में मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि हाउ प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. अब जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, कि प्रोटीन बनते किस तरह से हैं. हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है दो ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड है यानी कि ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड के, जिसके अंदर मैनी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दे कम्बाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ड्यूरिंग द लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं तो अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान में रिएक्शन होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं बाय द लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. तो उस सूरत हाल में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड. अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने रोल प्ले करते हैं. तो हर जो प्रोटीन है जो एक रोल प्ले करने जा रहा है, वो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि वो कौन सा रोल प्ले करेगा. सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, यानी कि अमाइनो एसिड कितने प्रेजेंट होंगे किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, कितने अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे, उन अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट क्या होगी, क्या सीक्वेंस होगा, और जब वो चेन फोल्ड करेगी अमाइनो एसिड के वो किस तरह से चेंज करेगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं प्रोटीन के नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर, प्रोटीन के नॉर्मल फंक्शन के ऊपर. क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अमाइनो एसिड को छेड़खानी की जाए, थोड़ा सा भी अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दिया जाए या उसकी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर दिया जाए, तो इट लीड्स इन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा. सिंपल सी एग्जाम्पल दी थी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जिसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात की थी, कि हीमोग्लोबिन अगर देखते हैं, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ फोर चेन्स, जिसमें से दो बीटा चेन्स हैं और दो अल्फा चेन्स हैं. बीटा चेन्स के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द बीटा चेन्स. तो उन 574 अमाइनो एसिड में से जब जस्ट एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दिया जाए या उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, तो हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी ऑन इट्स फंक्शन. हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन, अपना रोल पूरा नहीं करेगा. उसका काम क्या था, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना. तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से पर्सन विल डाई, तो पर्सन की डेथ हो सकती है. तो ये था पहला स्ट्रक्चर, दैट वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि डिफाइन करता था, जिसमें पता चलता था या जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से. प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने फोर डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है क्या और ये क्यों प्रोटीन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन की, यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट. जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तो वो कभी भी फ्लैटली लाई नहीं करेगी, आराम से, मतलब फ्लैट एक सीधी लाइन में प्रेजेंट नहीं होती है. दे यूजुअली कॉइल इन टू अ हेलिक्स. तो वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कॉयल अप होना शुरू हो जाती है दूसरे प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ प्रोटीन के, और हेलिक्स इस तरह से बनाना स्टार्ट कर देती है. वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है या फिर कोई भी रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन बनाना स्टार्ट कर देती है. वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स. एक जो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के हायर लेवल्स पे, दैट इज़ दी अल्फा हेलिक्स. इसके अंदर स्पायरल फॉर्मेशन हो जाती है बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन की, जैसा कि मैंने ये स्पायरल फॉर्मेशन बताई है कि स्पायरली जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो अपने इर्द गिर्द ही वो स्पायरल करना शुरू कर देती है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं दैट इज़ दी अल्फा हेलिक्स. जो अल्फा हेलिक्स है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इट हैव वेरी यूनिक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर. इसका ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हार्मनी में होता है. और इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स देयर आर 3.6 अमाइनो एसिड्स. आफ्टर 3.6 अमाइनो एसिड जो हेलिक है उसका टर्न आ जाएगा, मीन्स दिस देयर इट कंसिस्ट ऑफ 3.6 अमाइनो एसिड्स. और 3.6 अमाइनो एसिड्स के बाद
हेलिकल स्ट्रक्चर टर्न कर जाता है। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इट इज़ कैप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता किस तरह से है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, अमंग द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ स्पायरल। जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं दैट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड बैक की तरफ ऑपोजिटली जब वो फोल्ड होगा तो इट फॉर्म्स द बीटा प्लेटेड शीट्स। तो हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स का अपने जहन में रख सकते हैं, वन इज़ द अल्फा हेलिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ बीटा प्लेटेड शीट्स। जो अल्फा हेलिक्स है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत यूनिफॉर्म होता है, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स पे 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ किस तरह से प्रेजेंट रहता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द हेलिक्स, तो उस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंड जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पे नाम दिया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, दैट इज़ बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट कब बनती है, अल्फा हेलिक्स की जगह पे बीटा प्लेटेड शीट कब बनेगी, जब पॉलीपेप्टाइड फोल्ड विल फोल्ड बैक, वो दूसरी तरफ को फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इट विल रिलीज इन द इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बीटा प्लेटेड शीट्स। तो ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था कि किस तरह से अमाइनो एसिड जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ये था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरी चेन बनेगी अमाइनो एसिड्स की, ये इट डज़ नॉट यूजुअली लाई फ्लैटली, वो बिल्कुल प्लेन ऐसे नहीं पड़ी हुई, बल्कि ये जो ये पहला हो गया हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब यही चेन जो है एक दूसरे के साथ उठ के यानी कि कॉयल बनाना शुरू कर देगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे दिस इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कॉयल्स बनते हैं, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाती है प्रोटीन्स, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज़ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक दफ़ा ये कॉयल बन गया, नाउ वॉट नेक्स्ट, वॉट नेक्स्ट, किस तरह से प्रोटीन का फर्दर आगे स्ट्रक्चरल इसके अंदर इन्हेंसमेंट्स आती है उसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। यूजुअली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसने जब अपना बना लिया, डबल कॉयल बना लिया है, तो वो दोबारा से बेंड करना शुरू कर देगी, अपने ऊपर ही फोल्ड करना शुरू कर देगी ताकि वो फॉर्म कर सके ग्लोबुलर शेप। तो अपने ऊपर बेंड करने से, अपने ऊपर फोल्ड करने से ये पूरा ग्लोबुलर शेप इस तरह से बनाना स्टार्ट कर देती है। दिस इज़ द प्रोटीन्स टर्शरी कन्फर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर था वो अपने ऊपर ही बेंड करना शुरू कर देगा, फोल्ड बना देगा, और इस तरह से पूरा एक ग्लोबल कन्फर्मेशन कर देगी, इसको हम लोग कहते हैं ये प्रोटीन की टर्शरी कन्फर्मेशन है। इट इज़ मेंटेन बाय थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये जो ग्लोबल कन्फर्मेशन है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स से बनता है। नेमली इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और उसके अलावा डाईसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन फॉर्मिंग द ग्लोबल स्ट्रक्चर, इन फॉर्मिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल एक्वस इन्वायरमेंट में जो मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन है, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, वो हाइड्रोफोबिक जो यानी कि वाटर से डरने वाले अमाइनो एसिड्स होंगे, वो बिल्कुल सेंटर में, सेंटर ऑफ द ग्लोब के अंदर प्रेजेंट होंगे, जबकि जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं दे विल मूव टू द एजेस, दे विल मूव टू द आउटसाइड, क्योंकि वे वाटर लविंग हैं, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और बाहर एक्वियस इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो बिल्कुल सेंटर में चले जाएंगे ताकि उनके की कवरिंग रहे बाकी अमाइनो एसिड्स की, और जो बकाया अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे इन नेचर में, तो वो एजेस की तरफ, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे ग्लोब के, ताकि वो उसको कवर कर सकें और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स को कवर कर सकें। ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि एक दफ़ा ये ग्लोब बन गया है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पहले फ्लैट चेन्स बनी, फिर चेन्स एक दूसरे के इर्द गिर्द मिल के कॉयल बनाना शुरू कर देती हैं, कॉयल के बाद अब वो कॉयल फिर से पिस्टन टर्न होकर ग्लोब बना लेता है, तो दैट वाज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की तरह के ऊपर।
जब बात की जाए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बहुत जो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो टर्शरी चेन्स होती हैं वो दोबारा एग्रीगेट बना देती हैं, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड। तो ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कब बनता है? जब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, हर एक प्रोटीन में नहीं होता, बल्कि हाईली जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से इन हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स होती हैं वो एग्रीगेट कर जाती हैं, और एग्रीगेट करके जो टर्शरी चेन्स होंगी एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके ये बना देती हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड से एक और नया स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है रेड ब्लड सेल, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके अंदर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर टुडे, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है अबाउट दी प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।